टुडे वी डिस्कस द क्वेश्चन पेपर ऑफ़ टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री ईच क्वेश्चन इन अचीवर्स सेक्शन कैरीज टू मार्क वेर एज ऑल अदर क्वेश्चन कैरी वन मार्क देखिए अचीवर्स सेक्शन में जो है वो हर क्वेश्चन टू मार्क्स का होगा और बाकी सब वन मार्क्स के देखिए इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी नंबर वन इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द कैमल रीच द पौंड कितनी तरीके से जो है कैमल पौंड में पहुँच सकता है देखिए एक तो ऐसे जा सकता है स्ट्रेट ये वन हो गया ये टू ये थ्री ये फोर और देखिए ये फाइव और देखिए और कैसे जा सकता है ये सिक्स तो कितने तरीके से जा सकता है सिक्स तरीके से कैमल जो है पॉन्ड में जा सकता है और देखिए क्या सेवन तरीके से भी जा सकता है देखते हैं देखिए हमने ये कर लिया अब ऐसे करके ऐसे तो नहीं जाएगा सो so, कितने वेज से जा सकता है सिक्स मैथड से जो है कैमल जो है पॉन्ट तक रीच कर सकता है ठीक है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू देर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन द आदर साइड ऑफ आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द लेफ्ट पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर देखिए सबसे पहले क्या बना एक स्क्वायर बनाया फिर स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल बनाया फिर देखिए एक वन टू थ्री फोर फाइव फाइव साइड को क्या कहते हैं फाइव साइड जिसके हों तो उसको पेंटागन कहते हैं तो देखिए एक पेंटागन बना है तो अब क्या करेंगे पेंटागन के अंदर देखिए पेंटागन तो सब में रहेगा देखिए यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है पेंटागन तो यहाँ पे रहेगा अब देखिए इसमें जो था इस इस शेप से अलग शेप आएगी देखिए पेंटागन ये दोनों हैं बट ट्राइंगल तो उसमें आ गया तो इसमें 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 आएगा स्क्वायर ठीक क्वेश्चन नंबर थर्टीन हाउ मैनी ग्रुप ऑफ फोर डक्स ईच कैन बी फॉर्मड फ्रॉम द गिवन डक्स हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ फोर डक्स फोर डक्स का हमें ग्रुप बनाना है कि ईच कैन बी फॉर्म्ड द गिवन डक्स तो देखिए कितनी डक्स हैं ग्रुप बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखिए वन टू थ्री फोर एक ग्रुप ये हो गया फिर दूसरा ग्रुप ये हो गया तीसरा थी, ग्रुप ये हो गया फोर्थ ग्रुप ये हो गया तो फोर ग्रुप फोर डग से कितने ग्रुप बन सकते हैं फोर सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न इसमें से हमें जो नंबर मिसिंग है उससे हमें बताना है देखिए वन ट्वेंटी वन फिफ्टी वन नाइन्टी टू फोर्टी डैश थ्री सेवेंटी तो देखिए इसमें क्या नंबर आ सकता है देखिए वन ट्वेंटी और वन फिफ्टी में कितने का डिफरेंस है वन थर्टी वन थर्टी का डिफरेंस है ठीक है वन फिफ्टी और वन नाइन्टी में कितने का डिफरेंस है इसमें फोर्टी का डिफरेंस है वन नाइन्टी और टू फोर्टी में कितने का डिफरेंस है फिफ्टी का डिफरेंस है तो अब देखिए इसमें हम कितने का आएगा डिफरेंस इसमें आएगा सिक्सटी का डिफरेंस तो टू क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी तो देखिए टू फोर्टी में सिक्सटी ऐड करेंगे कितना हो गया तो उसमें टू फोर्टी में सिक्सटी ऐड करेंगे तो जाएगा थ्री हंड्रेड और देखिए थ्री हंड्रेड यहाँ पर आ गया और सिक्सटी के बाद कितने का पैटर्न लेगा सेवेंटी तो थ्री हंड्रेड सेवेंटी सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट Now come to question number five. Arrange the alphabet given below to form a meaningful English word and identify the category of word. हमें इसका meaningful word बनाना है और उसकी category को identify करना है तो देखिए ये क्या है देखिए ये है आपका horse. H O R S E. Horse. और horse क्या है Animal. So option B is करेक्ट देखिए ऐसे लॉजिकल रीजनिंग भी आएगी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आइडेंटिफाई प्लांट पार्ट पी हमें प्लांट पार्ट जो ये पी है ये बताना है कि ये क्या है हाउ इज द प्लांट पी यूजफुल टू अ प्लांट प्लांट पी जो है कैसे यूजफुल है इट होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द सॉयल जो ये इट होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द सॉयल ये प्लांट को अच्छे से पकड़े रहता है इट स्टोर्स द फूड मेड बाय द लीव्स ये अपने अंदर फूड को स्टोर करता है जो कि लीव्स में बनाया होता है सी इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉयल ये एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल्स सॉइल से इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट देखिए इसमें क्या होगा ये जो कैरेट की रूट्स हैं ये क्या करती हैं ये इट होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द सॉइल ये करती हैं इट स्टोर्स द फूड मेड बाय द लीव्स ये जो लीव्स ने खाना बनाया होता है ये स्टोर करती हैं इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल ये एब्जॉर्ब करती हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से सो इसका ए बी सी आर करेक्ट सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट हमें ये फ्लो चार्ट रेफर करना है देखिए ग्रीन लीव्स है स्टेम है रूट्स है और सब में इधर उधर जा रहा है देखिए यहाँ से वाई जा रहा है यहाँ से डब्ल्यू यहाँ से जेड जा रहा है यहाँ से एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेड सब्सटांस डब्ल्यू एक्स वाई जेड करेक्टली द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टांस डब्ल्यू एक्स वाई जेड देखिए डब्ल्यू क्या है वाई क्या है एक्स क्या है जेड क्या है हमें ये बताना है तो देखिए W देखिए स्टेम ग्रीन लीव्स में क्या पहुंचाती है वाटर ठीक है स्टेम ग्रीन लीव्स में क्या पहुंचाती है वाटर या तो वाटर होगा या फूड तो स्टेम ग्रीन लीव में क्या पहुंचाती हैं वो पहुंचाती है वाटर और देखिए रूट्स स्टेम में क्या हो जाती है देखिए या तो अब हमारे वाटर या फूड ही है तो या तो वाटर पहुँचाएगी या फूड पहुँचाएगी तो रूट जो है स्टेम में क्या पहुँचाती हैं वाटर तो एक्स भी वाटर होगा ठीक है और अब ग्रीन लीव स्टेम को क्या देती हैं ग्रीन लीव स्टेम को देती हैं फूड और स्टेम रूट्स को क्या देती हैं फूड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट देखिए ग्रीन लीव्स स्टेम ग्रीन लीव्स को क्या देती हैं वाटर रूट्स स्टेम को क्या देती हैं वाटर ऐसे ग्रीन लीव्स स्टेम स्टेम को क्या देती हैं फूड स्टेम रूट्स को क्या देती हैं फूड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड हुज फूड इज शोन इन द गिवन पिक्चर देखिए इसमें ये फूड दिया गया है तो ये किसका फूड है हमें बताना है इट इज़ अ फ्लैश ईटिंग बर्ड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बर्ड ऑफ प्रे इट लेज़ द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड इट हैज़ हुड बीग ये किसकी कैरेक्ट्रिस्टिक नहीं है देखिए इतने शार्प जो जिनके क्लॉज होते हैं वो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं तो ये सही है इट इज़ ऑल्सो नोन एज बर्ड ऑफ प्रे बर्ड प्रे मतलब जो मांस खाती हैं तो ये भी ट्रू है इट लेज़ द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड ये लार्जेस्ट एग देती हैं वर्ल्ड में नो लार्जेस्ट एग कौन देता है लार्जेस्ट एग देती है ऑस्ट्रिच इट हैड हुड बीक सो ये भी ट्रू है सो so, कौन सा इनकरेक्ट है ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट जो लार्जेस्ट एग देती है वर्ल्ड में वो होती है ऑस्ट्रिच सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर ग्रुप्स टू फाइंड आउट नेम ऑफ कुकिंग मैथड बाय विच बिस्किट आर मेड देखिए बिस्किट किससे बनते हैं बिस्किट बनते हैं बेकिंग से ठीक है बिस्किट किससे बनते हैं बेकिंग से अब देखिए इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो क्या बनेगा बेकिंग में क्या आता है बी ए के तो बी ए के तो इसमें नहीं है देखिए इसमें देखिए बी ए के आई एन जी बेकिंग बिस्किट किससे बनते हैं बेकिंग से ठीक है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नंबर टेन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज डन टू जो फूड का हम प्रिजर्वेशन करते हैं जो प्रिजर्वेटिव फूड्स आते हैं कीप इट फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम प्रिवेंट इट फॉर गेटिंग स्पॉइल कीप द न्यूट्रिशन इंटेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑल ऑफ दीज यस इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज जो प्रिजर्वेटिव फूड होते हैं जैसे आ, मिठाई वगैरह आती है ना प्रिजर्वेटिव तो देखिए वो उनको उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जिससे कि वो बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रहें खराब ना हो और उनका न्यूट्रिशन इतना ज्यादा तो नहीं रहता बट हाँ ये कि थोड़ा बहुत रहता है सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज इलेवन मेखला चादर इज ट्रेडिशनल ड्रेस वोन बाय वुमेन ऑफ विच स्टेट जो मेखला चादर है वो ट्रेडिशनल ड्रेस किस स्टेट की है वो है आपका आसाम की मेखला चादर कहाँ पहनते हैं आसाम में पहनते हैं नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर यूज फॉर क्लीनिंग पर्पज इन द हाउस इसमें से कौन से आइटम क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं दस वन दस वन दस वन दस वन तो बताइए कौन कौन से क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं देखिए ये भी होता है क्लीनिंग के लिए ये भी होता है क्लीनिंग के लिए एंड ये भी होता है ये क्या है ये है वैक्यूम क्लीनर ये है मॉप और ये है क्लीनिंग के लिए जो सफ डस्टिंग वगैरह के लिए सो ए सी एंड डी तो देखिए ए एन सी डी कहाँ ए सी डी

रेजिस्टेंस होते हैं सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वी कैन टू स्लिप वाइल वॉकिंग ऑन द वेट फ्लोर एज कंपेयर टू द ड्राई फ्लोर दिस इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर ऑन द वेट फ्लोर फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर ऑन द वेट फ्लोर फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस ऑन द वेट फ्लोर ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस ऑन दैट फ्लोर सो ऑप्शन सी इज करेक्ट देखिए हम जमीन में जो चलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम चल पाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस ऑन वेट फ्लोर तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कम होता है वेट फ्लोर में इसलिए हम फिसलने के हमारे चांसेस ज़्यादा रहते हैं देखिए फ्रिक्शनल क्या होता है जब हम दो हांड्स को रब करते हैं उनके बीच में क्या होता है फ्रिक्शन होता है ठीक है तो ऐसे ही ज़मीन और हमारे फीट के बीच में फ्रिक्शन होता है तो जब ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो उससे हम नहीं फिसलते हैं और अगर कम फ्रिक्शन होता है तो हम फिसलने की चांसेस ज्यादा रहते हैं जैसे हमारी स्लिपर्स अगर न्यू स्लिपर्स हैं तो उनमें और जमीन में अच्छा फ्रैक्शन होता है तो हम नहीं फिसलते हैं। जैसे चप्पल घिस जाती हैं पुरानी हो जाती है तो हम वो स्लिपरी हो जाती हैं तो उनका जो है उनके और जमीन के बीच में फ्रैक्शन कम हो जाता है इसलिए हम फिसल जाते हैं ठीक है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आइडेंटिफाई द लेबल पार्ट्स वन टू फोर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमें वन टू थ्री फोर देखने क्या हैं फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिश न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब इनटू इनटू द ब्लड स्ट्रीम जो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में किस बॉडी पार्ट से एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में देखिए वन टू थ्री फोर अब देखिए आप आइडेंटिफाई कीजिए वन टू थ्री फोर क्या हैं देखिए नंबर वन क्या है नंबर वन है माउथ नंबर टू क्या है स्टमक और नंबर थ्री क्या है देखिए नंबर थ्री है लार्ज इंटेस्टाइन और नंबर क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन नंबर फोर क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन तो जो न्यूट्री न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड स्ट्रीम में वो कहां से होते हैं वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से सो ऑप्शन डी इज करेक्ट देखिए न्यूट्रिशन तो कहाँ ऑब्जॉर्व होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है लार्ज का इंटेस्टाइन का काम होता है जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके वाटर को एब्जॉर्ब करना ओके सो न्यूट्रिशन ब्लड स्ट्रीम में कहा एब्जॉर्ब होंगे वो होंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में सो फोर इज स्मॉल इंटेस्टाइन थ्री इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड टू इज स्टमक वन इज माउथ ओके नंबर सिक्सटीन फॉर सेंडिंग एन ई मेल द मोबाइल कंप्यूटर शुड कनेक्टेड टू हमें ई मेल सेंड करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है फैक्स मशीन प्रिंटर कॉडलेस फ़ोन इंटरनेट देखिए हमें इन सब की भी ज़रूरत है बट सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेट अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं होगा तो आप मेल uh, नहीं सेंड कर पाओगे सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेज ऑफ मून इमीडिएटली फॉलोज इमीडिएटली फॉलो इस मून के बाद नेक्स्ट क्या आएगा देखिए तो इसके बाद आएगा आपका इसके बाद आएगा आपका दस वन ए इसके बाद क्या आएगा आपका ए कि ये क्या है ये है वार्निंग रिसेंट और इसके तुरंत बाद क्या आता है आता है न्यू मून सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एटीन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शोज अ कैनल ऑन ए मैप इसमें कौन सा सिंबल जो है मैप कैनल को शो कर रहा है देखिए ये क्या होता है ये होता है ट्रैक या फुटपाथ ये क्या होता है ये सिंबल है आपके रिवर का ये किसका है सर्कल होता है वेल और कैनल का कैनल का क्या है सिंबल दिस वन टू तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी फिर ऐसे होगी सो ऑप्शन डी इज द सिंबल ऑफ कैनल ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ दीज मुद्राज गेस्टर्स इन डांस डिपेक्टेड डिपेक्ट अ डियर हेड इसमें से कौन सी जो डांस मुद्रा है हैंड का जो गेस्टर है वो डियर हेड को शो कर रहा है ए बी सी डी आप देखिए डियर हेड को कौन शो कर रहा है ऑप्शन सी नाव कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टार्टी द गिवन वेन डाइग्राम एंड एंड आइडेंटिफाई एनिमल एक्स हमें ये वेन डाइग्राम देखना है। एनिमल एक्स को आइडेंटिफाई करना है देखिए ये एक्स है देखिए ये जो मिडल में है इसमें इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं तो इट्स यंग वन्स इज कॉल्ड किड इसके यंग वन को हम किड कहते हैं द साउंड इज प्रोड्यूज इज कॉल्ड ब्लीड इसकी साउंड जो प्रोड्यूस होती है, है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं ब्लीड सो कौन हो सकता है ये डी वुल्फ गोट शीप तो देखिए किसके बेबी को हम किट कहते हैं और कौन ब्लीड साउंड प्रोड्यूस करता है तो गोट के बेबी को हम किट कहते हैं और जो गोट साउंड प्रोड्यूस करती है उसको ब्लीड कहते हैं सो ऑप्शन इज सी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज इनकरेक्ट पॉस्चर इसमें से कौन सा पॉस्चर इनकरेक्ट है दस वन दस वन दस वन दस वन बताइए देखिये ओनली करेक्ट पॉस्टर ये है तो ए भी इनकरेक्ट है और सी भी इनकरेक्ट है हमें ऐसे नहीं चलना चाहिए और हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू रोहित एंड शिवानी व स्टैंडिंग एज शोन इन द गि फिगर रोहित वेव टू शिवानी एंड शी स्माइल एंड रिप्लाई शीट पी कैन बी मेड ऑफ देखिए रोहित और शिवानी जो है स्टैंड ऐसे खड़े हुए हैं तो रोहित ने शिवानी को वेव किया और उसने स्माइल किया तो शीट पी कैन बी मेड ऑफ देखिए ये शीट है शिवानी यहाँ खड़ी है इसका मतलब वो एक दूसरे को सुन पा रहे हैं है ना सुन पा रहे हैं देख एक दूसरे को देख पा रहे हैं देखिए ए वुड की हो सकती है आयरन की रबर की ग्लास की देखिए एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो क्या है इसका मतलब ये ये ट्रांसपेरेंट है किसकी है ग्लास की है ग्लास क्या होता है ट्रांसपेरेंट वुड और आयरन रबर ये सब क्या होते हैं ये ओपैक होते हैं ओपैक मतलब इसमें आर पार आप नहीं देख सकते ट्वेंटी थर्ड वाटर इज इसेंशियल टू अस एज वाटर जरूरी है क्यों इट हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटीरियल फ्रॉम आर बॉडी ये हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल को निकालता है इट हेल्प टू कीप आवर बॉडी कूल ये हमारी बॉडी को कूल cool करता है इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है ये ऑल ऑफ दीज वाटर क्यों जरूरी है वाटर इन सब चीजों के लिए जरूरी है वाटर हमारे वेस्ट को भी निकालता है बॉडी से ये हमारी बॉडी को कूल cool रखता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है सो ऑप आंसर इज ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर रिद्धि रैन टू ओपन द डोर वेन हर फादर रेंग द डोर बेल शी यूज हर सेंस ऑफ रिद्धि ने जो है उसके फादर आए उसने डोर ओपन किया और उसके फादर ने जो है डोर वेल बजाई तो उसने अपने किस सेंस का यूज़ किया उसने क्या किया उसने उसको सुनाई दिया तभी तो उसने बैल उस, उसके फादर ने बैल बजाई तो उसने उस कानों से सुना तभी तो उसे पता चला कि उसके फादर आ गए तो उसने किस सेंस का यूज किया हियरिंग सो ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ओनम इज सेलिब्रेटेड इन केरला फॉर डैश डेज ओनम जो है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है कितने दिन के लिए बताइए कितने दिन के लिए किया जाता है ओनम जो है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है टेन डेज के लिए सो ऑप्शन सी इज करेक्ट कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग किड स्लैश आर नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स इसमें से कौन सा बच्चा जो सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है दस वन दस वन दस वन या ऑल ऑफ These. तो देखिए ये बच्चे डेस्क के ऊपर चढ़ के हल्ला गुल्ला कर रहे हैं तो अगर कोई गिर गया तो उसको चोट लग जाएगी ना तो ये भी सेफ्टी रूल नहीं है और ये देखिए यहाँ पे बच्चे अपना रोड में अपना फुटबॉल खेल रहे हैं तो ये भी सेफ्टी रूल नहीं है और सी देखिए इसमें एक बच्चे ने जो है अपना हैंड बाहर निकाल रखा है जब भी ट्रेवल करते हैं तो अपने हैंड बाहर नहीं निकालने चाहिए अगर बाहर निकालते मान ली कभी कोई तेज गाड़ी आई तो कभी किसी का हैंड कट सकता है ना सो so, ये भी सेफ्टी रूल फॉलो नहीं कर रहा तो ये कोई भी सेफ्टी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एक्स इज अ फोर्स दैट वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस एक्स ऐसा फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है एक्स इज अ ये क्या है मैग्नेटिक फोर्स पुश पुल फ्रिक्शनल फोर्स बताइए ये लास्ट हमने चैप्टर में पढ़ा है ये है आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या है ये फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है ट्वेंटी एट चॉक इज यूज फॉर राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड बिकॉज चॉक जो होता है यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड में क्योंकि इट इज अ सॉफ्ट रॉक इट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन इट इज हार्ड रॉक इट इज मेड अप ऑफ सिलिका तो किसकी बनी तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है सो ऑप्शन ए इज करेक्ट जो चौक होती है वो सॉफ्ट रॉक की होती है उसे कहते हैं टैल्क इससे टैल्क हम पाउडर भी बनते हैं ट्वेंटी नाइन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका थार डेजर्ट जो है साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है रिवर गंगा इज वन ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया रिवर गंगा जो है इंडिया की एक रिवर है डल लेक इन अंडमान इज़ वेरी फेमस लेक ऑफ इंडिया जो डल लेक है अंडमान में वो वेरी फेमस लेक है डैकन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन चाइना जो डैकन प्लाटू है वो चाइना में लोकेटेड है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें ये बताना है तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो देखिए इसने बोला है थर्ड डेजर्ट इज लोकेटेड इन साउथ इंडिया साउथ अफ्रीका तो थार्ड डेजर्ट साउथ अफ्रीका में नहीं है तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है थर्ड डेजर्ट इंडिया में है रिवर गंगा इज वन ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया येस दिस इज करेक्ट और डल लेक इन अंडमान डल लेक श्रीनगर में है ना कि अंडमान में और डैकन प्लेट्यू भी इंडिया में है चाइना में नहीं सो सब इनकरेक्ट हैं केवल ये करेक्ट है कि रिवर गंगा जो है इंडिया की एक रिवर है सो ऑप्शन बी इज करेक्ट नंबर थर्टी आइडेंटिफाई द रोड साइन शोन इन द गि पिक्चर देखिए ये जो रोड साइन दिया है ये किस शो कर रहा है वन वे स्पीड ब्रेकर अहेड नो ओवरटेकिंग स्लिपरी रोड अड तो ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है ये आप बताइए ये कर रहा है स्लिपरी रोड अ हैड मैंने एक रोड साइंस का भी एक शॉर्ट बनाया है आप उसको चेक कर लीजिएगा नाव कम टू द अचीवर सेक्शन आप देखिए अचीवर सेक्शन के सभी क्वेश्चन जो होते हैं टू मार्क्स के होते हैं तो थोड़े टफ भी होते हैं ये स्टाडी द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट देडिंग पी क्यू एन आर देखिए यहाँ पे एनिमल्स दिए हैं पी क्यू आर दिया यहाँ पे गोल्ड फिश ग्रास वो इंगू अब हमें बताना है इनकी क्या क्वालिटीज होंगी देखिए यहाँ पे एनिमल्स दिए गए यहाँ पे पी क्यू आर तो देखिए यहाँ पे दिया कैन फ्लाई कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स हैज विंग्स तो देखिए गोल्ड फ्लै फिश जो है वो ब्रीथ करती है गिल्स से और वो फ्लाई नहीं कर सकती है सो कैन नॉट फ्लाई और उसके विंग्स नहीं होते हैं ठीक है और ग्रास ऑपर जो है ग्रास ऑपर भी आपका किससे ब्रीद करती है स्पाइकल से और वो फ्लाई कर सकती है और उसके भी वो एग्स देती है और जो ईमू है वो फ्लाई नहीं कर सकता है और वो लंग्स से ब्रीद करता है और वो अंडे एग्स देता है तो देखिए देखिए कैन ब्रीद ईमू कैन ब्रीद थ्रू लंग्स करेक्ट ईमू कैन फ्लाई नो ईमू फ्लाई नहीं कर सकता ईमू लेज एग्स ट्रू सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो ईमो की हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू रेफर टू द गि वर्ल्ड ग्रेड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ मेनी बर्ड्स है कितने इसमें ऐसे बर्ड छुपी हैं जिनकी चेजल शेप बी होती है वाई हाउ मैनी बर्ड्स दैट वेट थ्रू वॉटर आर हिडन इन द वर्ल्ड ग्रिड कितनी बर्ड्स हैं जो वेट थ्रू वाटर करती है आर मतलब वही इस वर्ड ग्रिड में हिडन है तो अब हमें ढूंढनी है कौन कौन सी इसमें हिडन है एक्स के कितने हिडन है वाई के कितने हिडन है तो देखिए एक्स के चेजल शेप्ड बी किसकी होगी देखिए ढूंढते हैं देखिए चेजल शेप्ड बी किसकी है वुड पैकर की एक तो वुड पैकर की है दूसरी एक होता है होप करके होता है उसकी भी चेजल शेप्ड होती है So, इसका ऑप्शन है टू फर्स्ट का टू है एंड वेट थ्रू वाटर देखिए ये कितने हैं अब देखिए टू कितने में आ रहा है टू टू तो या तो वन होंगे या थ्री होंगे तो देखते हैं चीज़ फिर एक तो होती है आपकी आपको पता ही होगा किसकी होती है आपने लेसन पढ़ा था एक होती है क्रेन की तो वन तो हो गया अब बाकी देखते हैं और एक होती है स्टोक की दीखे, अब देखिए दो तो आपके आ गए तो दो आ गए तो इसका मतलब या तो एक होगा या तीन होगा तो एक तो हो चुका मतलब दो एक से ज्यादा है तो इसका मतलब ऑप्शन सी होगा फिर एक थर्ड देखते क्या है थर्ड है हीरोन ठीक है तो उसके आए टू उसके आए थ्री सो ऑप्शन सी इज करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई द मेटेरियल पी क्यू आर एस देखिए पी इट ऑप्टेन फ्रॉम ट्रीज यस जो पी होता है वो ट्रीज से मिलता है इट ऑप्टेन फ्रॉम ट्रीज़ नो ये ट्रीज से नहीं मिलता और ये क्या होता है ट्रांसपेरेंट है यस yes. तो क्यू तो देखिए हमें ट्रीज से क्या मिलता है टिफ़िन बॉक्स मिलता है नो no. वुडन डोर मिलते हैं मिल सकते हैं वुडन डोर वुडन डोर मिल सकते हैं मिल सकते हैं क्योंकि ट्रीज से तो बनते हैं ग्लास नो no. पेपर यस पेपर भी ट्रीज से मिलते हैं तो हमारा बी या डी में से एक ऑप्शन इसमें से हो सकता है ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है क्यू देखिए क्यू ट्रांसपेरेंट होता है टायर नो no. सो so, ये तो ट्रांसपेरेंट है तो दिस इज इनकरेक्ट पेपर विंडो पेन देखिए विंडो पेन क्या होती है विंडो पेन तो ट्रांसपेरेंट होती है सो दिस इज़ करेक्ट अब देखिए आर क्या है आर बोल रहा है स्टील ग्लास इट इज़ शाइनी यस स्टील ग्लास भी शाइनी होता है करेक्ट एन एस इट इज़ लाइट एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक चेयर्स जो होती हैं लाइट भी होती हैं ड्यूरेबल भी होती हैं ठीक है तो इट इज़ ऑप्टेंड फ्रॉम ट्रीज पी पेपर जो होता है हमें ट्रीज से मिलते हैं और जो ट्रांसपेरेंट होते विंडो की पेन होती हैं विंडो पेन जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं स्टील ग्लास जो होता है शाइनी होता है लाइट और ड्यूरेबल प्लास्टिक जो होता है लाइट और ड्यूरेबल होता है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वीरा शोन अ टॉर्च लाइट एट अ बंच ऑफ ग्रेप्स एज शोन इन द गिवन पिक्चर व्हाट कैन वीरा डू टू एनलाइट द शेडो ऑफ बंच ऑफ ग्रेप्स ऑन द स्क्रीन ये तो लास्ट वीडियो में ही क्वेश्चन बताया गया है नंबर वन शिफ्ट द स्क्रीन क्लोजर टू द ग्रेप हमें जो है स्क्रीन को ग्रेप्स के क्लोजर लाना पड़ेगा जिससे कि उसकी शेडो बड़ी दिखे नंबर बी शिफ्ट द स्क्रीन अवे फ्रॉम द ग्रेप्स हमको ग्ञेंग ग्ञेंग वो स्क्रीन को उससे दूर ले जाना पड़ेगा ग्रेप से सी शिफ्ट द ग्रेप्स नियर टू द टॉर्च ग्रेप्स को हमें टॉर्च के नियर ले जाना पड़ेगा शिफ्ट द टॉर्च फार्दर फ्राम फार्दर अवे फ्रॉम द ग्रेप्स हमें टॉर्च को ग्रेप्स से दूर ले जाना पड़ेगा तो बताइए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसमें करना पड़ेगा शिफ्ट द स्क्रीन अवे फ्रॉम द ग्रेप्स हमको स्क्रीन को जो है ग्रेप से दूर ले जाना पड़ेगा शिफ्ट द ग्रेप्स नियर टू द टॉर्च और यह हमें उसके टॉर्च के पास लाना पड़ेगा ठीक है टू और थ्री सही है सो ऑप्शन टू एंड थ्री आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव रेफर टू द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन गिवन सेंटेंसेज आफ्टर सम टाइम देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वन ड्यू टू सेकेंड देखिए यहाँ इन्हें क्या कर रहे हैं ये एक हॉट प्लेट है पानी बॉयल हो रहा है ये बीकर है ये मेटालिक प्लेट है या आइस क्यूब्स हैं तो क्या होगा ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बीकर और सेकेंड एवोपरेशन देखिए आफ्टर सम टाइम देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होगा किसके कारण तो देखिए वाटर फॉर्मेट किसके कारण होता है वो तो होता है कॉन्डेंशेशन के कारण तो देखिए कॉन्डेंसेशन इसमें है कॉन्डेंसेशन इसमें है तो वाटर ड्रॉपलेट ऑन द हॉट प्लेट ऑन द अपर अंडर साइड ऑफ द मेटालिक प्लेट तो क्या होगा जो वाटर ड्रॉपलेट हैं वो उसके अंदर आएंगी ऑन द अंडर साइड ऑफ द मेटालिक प्लेट ठीक है सो ऑप्शन डी इज करेक्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो थैंक यू